कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया के कई ममालिक में पहुंच चुकी है। कोरोना की इस नई किस्म के बारे में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रावलपिंडी डॉक्टर एहसान गनी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी एक अलर्ट जारी हुआ है जो बेसिकली साउथ अफ्रीका से इमर्ज हुआ है, उसको ओमिक्रॉन कहते हैं। ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन के नाम से, और ये जो वेरिएंट है ये बेसिकली इसलिए ज़्यादा मतलब डेंजरस इसलिए है, एक तो ये इसके साइन सिम्टम उस तरह के नहीं हैं। मतलब अगर हम कहें ना जो बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है और खांसी हो रही है और ज़ुकाम हो रहा है, और हम उसके टेस्ट के लिए नेजल स्वैब या ओरल स्वैब ले के तो उसका टेस्टिंग कर लेंगे, ऐसा है नहीं है। ये जरसूमा जो है डायरेक्टली जो है आपके फेफड़ों में जाता है और वहाँ जाके जो है ये इसकी अफजाइश होती है और ये फेफड़ों को जो है नुकसान पहुँचाता है और नमोनियाज होते हैं और लोगों की डेथ्स हो रही हैं और हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वजह से साउथ अफ्रीका में जब ये इमरजेंस हुई है तो बाकी यूरोप के अंदर भी ये इसके केसेस आ रहे हैं, और ये ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो हमारी NCOC ने जारी की है, वो 6 C-grade जो कंट्रीज थी उनकी जो है उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी दी है। इस ममालिक से जो भी लोग आ रहे हैं, एक तो उनका उनके पास आने के लिए कुछ शरायत कायम कर ली हैं, एक तो उनके पास जो है वो अपना टेस्ट होना चाहिए 72 आवर्स के अंदर, के जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो नेगेटिव हो, उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हो, जब वो हमारे पास अराइवल हमारे पास हो पाकिस्तान में तो उनका अगेन जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव है तो वो 3 दिनों के लिए अपने घर के अंदर ही क्वारंटीन होंगे। इसी तरीके अगर कोई बंदा पॉजिटिव आ जाता है तो उसको 10 दिन के लिए हमने क्वारंटीन करना है और उसके बाद 10 दिन के बाद उसका टेस्ट करना है। अब इस वेरिएंट के हवाले से अगर मैं बताऊं तो हमें इसलिए कंसर्न है, एक तो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है रावलपिंडी में भी और बाकी अजला में भी। हमारे लिए कंसर्न ये है कि हमने मेहनत जो की है उसको हमने अब बरकरार रखना है, क्योंकि वायरस को उससे बचाव के लिए कुछ बुनियादी एहतियातें हैं जिसको हमने अपनाना है। सबसे अहम बात है कि हमने मास्क पहनना है, मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना है, नाक और ये थोड़ी में कवर करके, ताकि ये मास्क जो है आपको सही तरीके से आपको कवर करे और ये डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचाए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, वो नॉर्मल डिस्टेंस जो हम शुरू में हमने एक बताया हुआ था SOPs के मुताबिक, वो हमें उसको कायम और दायम रखना है। इसके साथ साथ जो हमारी गैदरिंग्स हैं जिसमें अनयूजुअल किस्म की मॉब्स हैं उसको अवॉइड करना है, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस को हमने जारी रखना है, और सबसे नंबर 1 बात यह है कि हमने अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवानी है। अभी इसके ऊपर डाटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है, और इंटरनेशनली भी जितने भी रिसर्चर्स हैं जहां पर भी ये केसेस आ रहे हैं वो इन कॉन्टैक्ट हैं, लेकिन इस वक्त इसका इनफ डाटा नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई मतलब किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचे। लेकिन क्योंकि वबाई अमराज में जो वायरस है वो तो आइडेंटिफाइड है, उसके वेरिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी प्रोग्रेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बुनियादी एहतियाती जो हैं तदाबीर हैं वो वही हैं, उनको हमने पहले अपनाना है। उसको हमें आइसोलेशन जो है उसका सबसे नंबर 1 जो है वो रेमेडी है, आइसोलेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे, डिस्टेंसिंग होगी, मास्क पहनेंगे, और ये चीज़ें जो हैं ये हमने अगर हमने अपना ली तो इंशाल्लाह हम इस वेरिएंट को भी इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। देखिए जी, सिस्टम डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सिस्टम डेवलप हो चुका हुआ है। इसमें सबसे पहली बात है कि हर एक ज़िले में डिजीज़ सर्वेलेंस यूनिट बना हुआ है। डिजीज़ सर्वेलेंस यूनिट ना सिर्फ कोरोना को देख रहा है बल्कि तमाम वबाई अमराज को देख रहा है। इस दौरान हम अपने पास जितनी भी हमारी अभी तक स्टाफ ट्रेन हो चुका हुआ है, जो भी स्टाफ हमारे पास रिस्पॉन्स टीम्स बनाई हुई हैं, उनको हम दोबारा से जो है एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि हम उनकी ट्रेनिंग करा के उनको दोबारा से फील्ड में भेजते हैं। जब भी हमारे पास कोई पॉजिटिव केस आता है वो हमारे डैशबोर्ड पे आ जाता है, उस डैशबोर्ड के अगेंस्ट हम उस केस के अगेंस्ट फिर कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि वो लोग जो उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट से जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से उसके दौरान उसके साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट में रहे, उनको हमने उनकी सैम्पलिंग करनी होती है। तो ये सारा सिस्टम इन प्लेस है, और हमारे पास इस को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास अपनी गवर्नमेंट की BSL-3 लैब बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में हमारे पास जीनोटाइपिंग करने के लिए फैसिलिटी मौजूद है, हम वेरिएंट के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट है। इसके साथ साथ जो हमारी अपनी ड्रिल है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो ये है कि हम गाहे बगाहे लोगों के सैंपल्स ले रहे हैं जिनको ज़रा भी साइन सिम्टम्स होते हैं या क्लस्टर ऑफ केसेस कहीं से आ रहे हैं, हम उनकी जो है सैंपलिंग कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले, बर वक्त पता चल जाए कि यार इस एरिया में डिजीज़ आ रहा है।
देखिए जी, सबसे इशू हमारा ये है कि हमारा जो ट्रेवल जो हमारा बॉर्डर है वो इतना पोरस है कि हमारे लोगों की जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा होता है, खास करके अफगानिस्तान की जैसी सिचुएशन है। इसी तरीके से जो हमारी ट्रेवल लोग कर रहे हैं डिफरेंट एरिया से, सिर्फ डिफरेंट बॉर्डर से, उतना चेक उस एरिया में नहीं है सिवाय हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर। एयरपोर्ट पर तो हमने सिक्योर कर लिया, लेकिन हमारी जो बाकी जो एरियाज़ हैं उनको हमने कितना सिक्योर किया, ये एक क्वेश्चन है कि हम उसमें कितना हम वो कर रहे हैं। साथ ये है कि जो लोग अगर आ गए हैं या ट्रैवल कर गए हैं, वो जब तक टाइमली आइडेंटिफाई नहीं होंगे कि ये पॉकेट है हमारी जिसमें ट्रैवलर्स अभी आए हैं और इनको साइन सिम्टम्स हैं, उनको हमने आइसोलेट ना किया और वो मॉब के अंदर ही जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो साइन सिम्टम्स हैं वो पहले एविडेंट नहीं होते, इस तरह लोग इस तरह बीमार नज़र नहीं आते, वो कैरियर्स हो सकते हैं, लेकर आए हैं वायरस और थोड़ी देर बाद इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उनमें साइन सिम्टम्स आने शुरू हो गए, वो उस एरिया में जा रहे हैं, लोगों से स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये एक तो ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, जब ये फास्ट स्प्रेड होगा तो इसके साथ हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइजेशन भी होगी, क्योंकि सांस की बीमारी के साथ कोई घर में नहीं बैठ सकता, अगर सांस सही तरीके से नहीं आ रहा वो तो लामहाला हॉस्पिटल में आएगा, जब वो हॉस्पिटल में आएगा तो वहाँ पर उसकी कॉम्प्लिकेशन को पता चलेगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले रिजल्ट में भी जो टाइम्स में हमारी वेव्स आई हैं उसमें हमने देखा है जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई उनके साइन सिम्टम बड़े वर्स हुए हैं और मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई, जिन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन कराई हुई है वो इन्फेक्ट होने के बाद भी उनकी जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ है वो इतनी हार्ड नहीं हुई। तो ये चीज़ें जो बुनियादी है बताने वाली लोगों को यही है, इस वक्त भी लोग जो हैं इस चीज़ के बारे में ज़रा सीरियस हो जाएं। अभी तक जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है और जो डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक तो यही वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें फाइजर है, जिसमें एस्ट्राजेनेका है, जिसमें साइनोफॉर्म है, साइनोवैक है, उसके बाद स्पुटनिक है, ये वो वैक्सीन हैं जो हमारे पास अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। अभी मैंने ये टू अर्ली टू डिस्क्लोज एनीथिंग, क्योंकि हमारे पास उतना डाटा नहीं है कि ये इस किस तरह का बिहेवियर है इस वायरस का, गो कि ये अलर्ट आ चुका हुआ है, इस पर काम हो रहा है, लेकिन वैक्सीन की एफिकेसी और इसकी इफेक्टिवनेस है, जिसकी वजह से लोग जो हैं अगर जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है, पिछला डेटा ये बता रहा है कि उनकी डिजीज़ की प्रोग्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई और लोग सही सेहतियाब हो चुके हैं।